हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा। सो व्हाट इज ग्लूकोमा? इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ ऑक्युलर कंडीशंस व्हिच लीड टू डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व विद द लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल कोई भी कंडीशन, ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल कंडीशन जिसकी वजह से जो है वो जो विजुअल फंक्शन है वो लॉस हो रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। एंड द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज इंक्रीज इन आईओपी, दैट इज इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर। तो जो नॉर्मल इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर होता है दैट इज 10 to 20 mmHg। ठीक है, लेकिन सस्पिशियस केसेस में जिनको मे बी इन फ्यूचर ग्लूकोमा हो जाए उनमें होता है 20 to 25 mmHg। और जो ग्लूकोमा का पेशेंट होगा उसका मोर देन 25 mmHg होगा। ओके, एंड आपको सबसे पहले जो ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से होता है? जो हमारा इंटीरियर चैम्बर में जो एक्वस ह्यूमर है उसकी अगर ड्रेनेज अच्छे से ना हो। एक्चुअली इसकी जो मेन इटियोलॉजी है दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्रेनेज टू एक्वस ह्यूमर। ठीक है, या तो पहले आपको समझना पड़ेगा जो रूट ऑफ आयरिस है या सिलियरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वहां से एक्वस ह्यूमर बनेगा। एक्वस ह्यूमर बनने के बाद वो प्यूपल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में आएगा। एंटीरियर चैम्बर में आने के बाद जो ये एंगल्स हैं इन एंगल से वो ड्रेन होता है। ठीक है, इन एंगल से आएगा तो पहले वो शेल्म कैनाल है जो ट्रेबुएक्युलर मैशवर्क है उससे फिल्टर होता हुआ शेल्म कैनाल में, फिर फर्दर ऑब्लिक वेन, एक्वस वेन, जो ये होती है हमारी एपिस्क्लेरल वेन, उनमें ड्रेन होता है। ठीक है, इसकी ड्रेनेज चलती रहती है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेकिन जब ये एंटीरियर एंगल चैम्बर ही अगर हमारा क्लोज हो गया या यहाँ प्यूपिल से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी ये ड्रेन नहीं हो पा रहा, इस ड्रेन ना होने की वजह से जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो ग्लूकोमा में मेन रिस्क फैक्टर जो है वो इंट्राऑक्युलर प्रेशर का बढ़ना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ग्लूकोमा के दो टाइप हैं, फर्स्ट इज कंजेनाइटल एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी फर्दर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में भी फिर दो हैं, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में क्या होता है, ये ग्लूकोमा या तो बर्थ टाइम से ही होगा या फिर विद इन 3 to 4 years में किसी बच्चे को हो जाता है, दैट इज कंजेनाइटल ग्लूकोमा। इसमें सिंस बर्थ ही उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा रहता है। इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है कि जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है उसमें कोई कंजेनाइटली ही अबनॉर्मेलिटीज हो, जैसे आयरिस कंप्लीटली सेपरेटेड ना हो कॉर्निया से, या एम्ब्रोनिक जो भी मीजोडम है वो रह जाए, या शेल्म कैनाल ही ना हो जिसके थ्रू ड्रेनेज मेन होती है वो कैनाल ही ना हो। इसके भी अब टाइप्स आते हैं, फर्स्ट इज कंजेनाइटल मींस बाय बर्थ ही अब बेबी को, तो कंजेनाइटल होता है वो। फिर आता है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल में क्या होगा, 1 to 3 years में हुआ है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज जुवेनाइल, अराउंड जो प्यूबर्टी होगा दैट इज जुवेनाइल। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे जो कंजेनाइटल होगा उसमें, बेबी में क्या होगा, लैक्रिमेशन देखने को मिलेगा, एडिमा होगा, फोटोफोबिया हो सकता है, डिफेक्टिव विजन होगा, जो कॉर्निया है वो एनलार्ज दिखेगा। फिर इसके साइंस हम क्या देखेंगे, कॉर्नियल एडिमा मिलेगा बेबी में एंड ओपेसिटी ड्यू टू एंडोथीलियम डैमेज। ठीक है, और क्योंकि रप्चर हो गया डेस्मेंट मेम्ब्रेन का भी उसमें, तो कॉर्नियल एडिमा मिलेगा और लेंस जो है वो फ्लैटेंड मिल सकता है और पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। इंट्राओक्युलर प्रेशर जब बढ़ रहा है, जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होगा वो लेंस को पीछे यानी पीछे पुश करेगा और जो स्क्लेरा होगी वो थिन होगी, ब्लूइश हो सकती है, जिसमें से यूवियल टिश्यू शाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे
तो हम इंट्राक्यूलर प्रेशर चेक करेंगे, वो रेज्ड मिलेगा, मेजरमेंट करेंगे कॉर्नियल डायमीटर का, बेबी का फंडल एग्जामिनेशन करेंगे, गोनियोस्कोपी करते हैं, जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है उसके लिए हम कराते हैं गोनियोस्कोपी, ये देखने के लिए कि जो एंटीरियर चैम्बर एंगल है वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो कंजेनाइटल है और जो इन्फेंटाइल है उसमें सर्जरी होगी। ठीक है, सिस्टमिक एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, मेनिंटॉल दे सकते हैं आईवी, ताकि इंट्राक्यूलर प्रेशर जो है वो कम हो, आफ्टर या प्री ऑपरेटिवली दे सकते हैं। मेन तो जो होगा सर्जरी है, इसमें सर्जिकल टेक्निक जैसे गोनियोटॉमी कर देते हैं, ट्रेबेक्यूलोटॉमी या ट्रेबिक्यूलेक्टमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजेनाइटल ग्लूकोमा। अब जो एक्वायर्ड है उसके फर्दर दो टाइप है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको एग्जाम में जैसे 15 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो आपने क्लासिफिकेशन बता के कंजेनाइटल है, इसके एक दो रीजन लिख के, और ये तीन स्टेजेस हैं कंजेनाइटल, इन्फेंटाइल और जुवेनाइल, फिर इसकी ट्रीटमेंट लिख दो कि जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जरी ही है, और उसमें हम गोनियोटॉमी, ट्रेबेक्यूलेक्टमी या फिर ट्रेबेक्यूलोटॉमी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो ये ओपन एंगल है और क्लोज एंगल है, इनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा।